नमस्ते मैं डॉक्टर वृशाली खिरेट खड़की लंग स्पेशलिस्ट पूना हॉस्पिटल पुणे में और मैं आपको आस्थमा के कोई टेस्ट या जिससे आप आस्थमा डायग्नोसिस कर सकते हो उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगी तो बेसिकली आस्थमा जो ही क्लिनिकल डायग्नोसिस है मतलब कि आपने बता दिया कि हमें ये एपिसोड्स होते हैं क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि एस्थमा के एपिसोड्स होते हैं ये ठंड में आपका एक्सपोजर हुआ तो एपिसोड्स होते हैं आपको धूल या धुआं का जो एक्सपोजर होता है तब आपको एस्थमा के अटैक्स आ सकते हैं और जैसे ही ये एक्सपोजर आपका निकले तो अपने आप आपकी सांस की नलियाँ जो सिकुड़ गई हैं वो थोड़ी सी खुलने लगती है तो इसके लिए आस्थमा का डायग्नोसिस करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है अगर आपको माइल्ड है तो जब भी आप टेस्ट करवाने आते हो जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, तब शायद वो टेस्ट नॉर्मल भी आ सकती है इसके लिए जैसे मैंने आपको बोला कि अस्थमा ये क्लिनिकल डायग्नोसिस आपकी जो हिस्ट्री है उसमें अगर आपको साथ में सर्दी होती रहती है छीके हैं घर में किसी को आस्थमा की हिस्ट्री है आप ऐसी जगह पे काम करते हो जहाँ पे आपको कोई भी फ्यूम्स या डस्ट मेटल होगा ऑर्गेनिक होगा इनऑर्गेनिक हो गए इन डस्ट्स रहेंगे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के बारे में बताऊँ तो अगर शॉप फ्लोर पर काम करते हो जहाँ पर कटिंग रहता है दैट इज़ इनऑर्गेनिक डस्ट एंड ऑर्गेनिक डस्ट मतलब आप कोई ग्रीन शॉप में दर इज़ सॉटिंग का काम होता है तो वहाँ पर ऑर्गेनिक डस्ट रहती है या शुगर केन फैक्ट्री ले लो वहाँ पर ऑर्गेनिक डस्ट रहती है इनके एक्सपोजर से आपको एसमा हो सकता है तो ये टेस्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और उसमें जो रहते हैं दो प्रकार के एक ब्रोंको प्रोवोकेटिव टेस्ट और दूसरा जो है ब्रोंको डायलेटर टेस्ट तो ब्रोंको प्रोवोकेटिव टेस्ट जब मैंने बोला कि आपको नॉर्मल ब्रोंको डायलेटर टेस्ट ये काफी कॉमनली यूज टेस्ट रहती है इसको बोलते हैं स्पाइरोमेट्री और ये सबसे कॉमनली यूज टेस्ट रहती है इसमें आप आ, को एक पंप पाइप में जोर से फूकने बोल देते हैं और फूकने के बाद आपको थोड़ी देर के बाद एक दवाई दे के दस मिनट के बाद वापस फूकने बोलते हैं जिससे हम आपके फेफड़े से ज़्यादा आपके फेफड़े जो की जो सांस की नलियाँ उनके रिएक्टिविटी ये दवाई लेने के बाद उनका जो रिएक्टिविटी वो कम हो रहा है ये वो खुल रही है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं कुछ लोगों में ये टेस्ट नॉर्मल होती है जैसे मैंने बोला कि आस्थमा के एपिसोडिक अटैक्स आते हैं तो उस आ, इसमें हम ब्रोंको प्रोवोकेटिव टेस्ट कर सकते हैं मतलब हम देख सकते हैं कि कोई जो चीज़ें हैं आ, उनकी वजह से आपकी सांस की नलियाँ सिकुड़ रही हैं क्या तो ये टेस्ट जनरली हम वी डू इट इन द रिसर्च सेटअप में और उसमें दो प्रकार की दवाइयाँ दी जाती है और हम देखते हैं कि आपको दवाई के पहले आपकी यही टेस्ट जो है फेफड़े की फूकने की जांच कैसे है और दवाई देने के बाद वो नलिया सिकुड़ जा रही है क्या जो, जो नॉर्मली हम करते हैं वो सिकुड़ सिकुड़ गई हैं वो खुल रही हैं कि देखते हैं इसमें हम उल्टा देखते हैं तो ये दो प्रकार के टेस्ट हैं इसमें मैं आपको बता दूँ कि पूना हॉस्पिटल में इम्पल्स ऑसिलोमेट्री नाम की टेस्ट आई है ये टेस्ट क्यों ज़रूरी है बच्चे बूढ़े और जिन लोगों को समझ नहीं आती कोई कारण अगर उनको कोई स्ट्रोक हुआ है या थोड़े से उनकी बुद्धि कम है तो इनको ये टेस्ट समझ में नहीं आती उन लोगों के लिए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इंपल्स ऑसिलोमेट्री नाम की टेस्ट हम पुनः हॉस्पिटल में करते हैं एंड इट कैन बी डन फॉर अ चाइल्ड एज यंग एज सिक्स मंथ्स एंड एनी अडल्ट उसमें आपको रेगुलर आपके ब्रीदिंग में एस्थमा के बारे में जानकारी मिल जाती है इसके अलावा ये जो है ये स्पेसिफिक लंग टेस्ट है उसके अलावा आपके जो कॉमन ब्लड टेस्ट है हीमोग्राम या इसको बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट उसमें अगर योजनोफिल्स ज़्यादा है एक टाइप का सेल है वो ज़्यादा है आपके सीरम आई लेवल्स ज़्यादा है तो इसमें भी अस्थमा होने की जो आशंका है उसमें मदद पड़ जाती है इन दोनों टेस्ट में बहुत सारे लोगों को ये टेस्ट पॉजिटिव रहते हैं बट उनको अस्थमा नहीं रहता लेकिन अगर अस्थमा आप सस्पेक्ट कर रहे हो और ये टेस्ट पॉजिटिव आती है तो आपको ये डायग्नोसिस करने में मदद कर देता है एस्थमा के बारे में आपको और कोई जानकारी चाहिए कोई टेस्ट के बारे में और ये कैसे करनी रहती है उसके पहले हमने इनहेलर लेना है नहीं लेना है तो ज़रूर लिख के भेजिएगा हम आपके आ, सारे प्रश्नों के उत्तर ज़रूर देंगे धन्यवाद